तक लाने के लिए। यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे ना, मैं कभी कभी वो गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब। और उस दिन जब परफॉर्म कर लूंगा ना कि चलो आज का दिन खत्म हो गया, आज बेस्ट किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। आपको लगेगा ये फिट है, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा है दिव्यंका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने। तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करे। शिव साथी आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के जो एंडिंग नोट था वो मंडली में नॉन मंडली पे हुआ था, अर्चना भी खतरों में होने वाली है, इस बार कैसा रहने वाला है? तो क्या लास्ट क्या था, इस बार कैसे देखते हैं अपने खतरों की जर्नी को? क्या इसमें भी मंडली वर्सेस नॉन मंडली देखने को मिलेगा या फिर द थिंग विल बी चेंज दिस टाइम? इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते। और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी, और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। 50 डेज निकलेंगे कैसे ना, तो मस्ती करते करते एंजॉय करते करते स्टंट करेंगे। नॉन मंडली नहीं, सभी के साथ दोस्ती करेंगे, है यार 14 लोग और सब प्यारे हैं। ओके, सीजंस की अगर बात करें, आप दोनों ने कितने सीजंस फॉलो किए हैं और फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन रहा है आप दोनों का? मैंने कोई सीजन तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माय मॉम इज़ अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं। टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज़ एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स। शिव, मैंने सीजन मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे दो तीन प्लेयर जो थे वो बहुत मज़ा आया देखते समय। दिव्यंका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे जो अंडर वाटर, तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे तीन चार लोग थे, और अर्जुन भाई भी। तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि दीदी आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको ये मालूम पड़ा कि आप खतरों में जा रही हैं, किसी को बताया होगा आपने, किसी ने शेयर किया होगा, तो क्या एडवाइस आपको मिली है अभी तक दोस्तों से? मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था, आई मीन आई वाजंट श्योर वेदर आई वाज डूइंग इट और नॉट, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ टॉक्स बैक एंड फोर्थ। द रीजन व्हाई आई वाज प्रोबेबली द लास्ट नेम टू कम ऑन बोर्ड, फ्रेंड्स, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? एंड आई वाज लाइक कोशिश कर लूंगी, वन डे एट अ टाइम, जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेन यू आर व्हाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज्यादा है। दीदी सलमान खान की अगर बात करें तो उनको आप मेंटर मानती हैं, मेंटरशिप मानती हैं, फ्रेंड मानती हैं, उनकी क्या एडवाइस मिली आपको, उनका क्या रिएक्शन था, क्या उनको मालूम है कि आप जा रही हैं खतरों के खिलाड़ी? नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर कोई ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीइंग थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूंगी उनके साथ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने का। क्या रिएक्शन था अगर उनको बंद हो गए? नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, बिकॉज हर चीज क्या डिस्कस करे, राइट? नाउ द थिंग इज दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर, राइट? ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम लो और मजे आए। ओके शिव, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि हमने देखा इतने सीजंस में चोटें बहुत लगती है टास्क होने पर, फेस पे भी बहुत लोगों के चोट आई है, तो उसका कोई डर है आपको? तो बिग बॉस में भी आंखों में टास्क के दौरान ही चोट आई थी। मुझे लगता है वो जो शोज में चोट आती है ना वो एक मेडल होता है, वो लगना चाहिए, जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो शो का एक मेडल रहेगा। नहीं यार, इतनी छोटे तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हम सबको लग ही जाती है। मेरे तो फोरहेड पे ही बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, आई बीन इन अ कार एक्सीडेंट काफी साल पहले, तो अभी मार्क से चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ
फर्क ही नहीं पड़ता. एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड लविंग द स्कार्स दैट आई ऑलरेडी हैव. एंड आई थिंक ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू हैव अर्नड, बिकॉज इट इज अ स्किल टास्क. इट इज नॉट समथिंग कि वायलेंस का कोई टास्क है. लास्ट क्वेश्चन शिव, आपसे सवाल है. आप बैक टू बैक रियलिटी शोज कर रहे हैं, रोडीज किया, फिर बिग बॉस मराठी और बिग बॉस 16.